इस समय हम सनाद्यंत धातु की प्रक्रिया पर अध्ययन कर रहे हैं और मैंने सन प्रत्ययान्त धातु की विवेचना के अनंतर जो यंग प्रत्ययान्त धातु है उसकी विवेचना पर हम दृष्टि डालते हैं। इस चित्र में हमने सामान्यतः दिखाया है कि यंग प्रत्यय किन किन अर्थों में होता है, इसकी विवेचना का आधार हमें सूत्र प्राप्त होते हैं। और इस सूत्र में जैसा कि कहा है कि वार्तिककार का जो ध्येय है उस सूत्रार्थ संपत्ति को पूर्ण करने के लिए कुछ उक्त अनुक्त दुरुक्त का चिंतन भी करता है और उसी हिसाब से धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समभिव्यहारे यंग में जो हलादी पाठ है उसको देखते हुए जो अट धातु है, रि धातु है, ऊर्ण धातु है, अस धातु है, इनसे प्रत्यय का विधान प्राप्त नहीं है। अतः वार्तिककार ने अपने मतानुसार कतिपय धातुओं का पृथक से सन्निवेश किया है। वार्तिक आपके अवलोकनाथ सूचि सूत्र मूत्री अत्यर्थ असु और उर्णोतिभ्य इसके रूप में आपका निदर्शन कर ही रहा है। अब हम विचार करते हैं कि यंग प्रत्यय और किन किन अर्थों में भी होते हैं। यद्यपि हमने सामान्य रूप से आपसे कहा है कि यो धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समभिव्यहारे यंग, भृशार्थ की जहाँ प्रतीति हो और क्रिया के समभिव्यहार की जहाँ पर प्रतीति हो वहाँ पर यंग प्रत्यय का विधान हमने सामान्यतः किया है। इस अर्थ में देखते हैं कि जो नित्य कौटिल्य गति में विद्यमान हो ऐसी स्थिति में भी हम यंग प्रत्यय का विधान करते हैं। अब ये नित्य विशेषण कहाँ है? ये नित्य शब्द का बहुत से अर्थ हमारे यहाँ है तथा तो जिसकी गति में प्रचुर मात्रा में कुटिलता प्राप्त हो, वक्र भाव प्राप्त हो, उस गति को हम बोलते हैं वा वृज्यते, ऐसा प्रयोग बनते हैं। वाव्रजते प्रयोग की सिद्धि पर एक बार दृष्टि डालते हैं। विग्रह है आपका कुटिलम व्रजति, क्योंकि ये कौटिल्य अर्थ में नित्यं कौटिल्य गतौ ये सूत्र ही है आपका, तो इस कारण से कौटिल्य अर्थ में इसका विधान किया था। यहाँ पर विशार्थ है या क्रिया का समभिव्यहार है, इन अर्थों की विवक्षा हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्योंकि जब विशेष अर्थ में इसका विधान है तो ये हो सकता है कि हम विशेष अर्थ में ही इसकी विवक्षा करें, सामान्य अर्थ यहाँ पर गृहित नहीं होगा। आचार्य की ऐसी विवक्षा प्रतीत होती है। तो वृज गतौ धातु है और वृज गतौ धातु से कुटिलम भजति इस विग्रह में हम यंग प्रत्यय का विधान कर देंगे। दुत्त हो जाएगा पूर्वाभ्यास हलाद शेष व वृज बन जाएगा, दीर्घो किता से दीर्घ का विधान करके वावृज बन जाएगा, क्योंकि यंग है इससे आत्मने पद का विधान कर देंगे इसलिए वाव्रजते प्रयोग बन जाएगा। तो जो अर्थ कुटिलम व्रजति ऐसा कहने से हमको प्राप्त होता है वही अर्थ वाव्रजते ऐसा प्रयोग करने पर हमें उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारी यहाँ पर विशेष हमारी उपपत्ति है यहाँ पर जो है। और भी देखते हैं कि भाव गरहा, जहाँ क्रिया में निंदा की प्रतीति हो जा रही हो, गरहा की प्रतीति हो जा रही हो, ऐसे अर्थ में भी हम क्या है कि यंग प्रत्यय का विधान हम करते हैं। तो जैसे एक आपका प्रयोग है सा सद्यते, ऐसा प्रयोग बनता है। तो पुनः पुनः अतिशयन वा सीदति, ऐसा अर्थ करके न करके गर्हितम सीदति ऐसा अर्थ करेंगे, इसलिए सा सद्यते, सद धातु है सदली, उससे सद सद सा सद्य और ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तो ये धातुएं निर्दिष्ट हैं आपकी कि लुप है और इसके पश्चात सद है, चर है, ये सारी धातुएं निर्दिष्ट हैं, इनसे भाव का अभिप्राय है क्रिया में। तो भाव गरहा की जहाँ प्रतीति है
वहाँ भी हम उसमें प्रत्यय का विधान करते हैं। उदाहरण के लिए एक सामान्य जो भूभूत इत्यादि का उदाहरण है, यहाँ हम ज़्यादा दृष्टि नहीं डालते हैं क्योंकि ये सामान्यतः इसकी प्रक्रिया आपको उपलब्धि हो चुकी है, इसलिए एक हम इसको ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं। विशेष करके देखते हैं कि जो यंग धातु हैं, और यंग धातु में द्वित्वकार भी होता है गंध धातुओं में, और उनके साथ और भी जो व्यवस्था है, जैसे एक सूत्र आपका है यस हलह, तो हलह परस्य यकारस्य लोपो होती, ये आपका अभिप्राय है, या यहाँ पर संघात का ग्रहण करते हैं तो यकार से सूत्र इस प्रकार की व्यवस्था है, यकार का लोप करके सोसुसान चक्रे इस प्रकार का रूप बन जाता है, सामान्य प्रक्रिया है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो यंग लुंग के संयोग में नुम को भी प्राप्त करती हैं, जैसे चरफलोश, ये सूत्र आपका है, और ये चरफलोश क्या है कि यहाँ पर जैसे प्रयोग देखते हैं कि चंचुरित ऐसा प्रयोग बनता है, और चंचुर्य क्योंकि अभ्यास को नुक का आगम कर देंगे और उत्तुका भी विधान कर देते हैं, और ये सूत्र आपका उत्प्रस्याता, तो उत्तुका विधान करने के कारण चंचुरित ऐसा प्रयोग बन जाएगा, और जब एक पक्ष नहीं रहेगा तो फिर सामान्य है तो उसमें अनुस्वार प्रसवण इत्यादि की विकल्पता रहेगी, चंचुरित ऐसा प्रयोग बनता है। एक बार पुनः विचार करते हैं कि जिस प्रकार से आपका ग्रो यंग है, ये सूत्र क्या करता है कि लत्तु का विधान करता है, तात्पर्य है कि ग्रो धातु का जो रेप है, गृह धातु का जो रेप है, उसको यंग पड़े रहने पर लत्तु का विधान आपका होता है। तो सामान्य है कि जो गृह धातु है उससे इत्यादि का व्यवस्थापन करके जेगिर ऐसा प्रयोग बना लेंगे और रेप के स्थान पर लत्तु का उपस्थापन कर देंगे तो जेगिल्यते ऐसा प्रयोग बन जाएगा। और भी जो धातु हैं आपकी, जैसे कहीं पर गुण का विधान होता है, कहीं कहीं पर नुक आदि का विधान होता है, यंगलुंग का विधान होता है, तो वो भी सारे आपके सामने इस प्रदर्शनी में है कि कहाँ कहाँ रूप बनता है। जैसे बम्भम यंयमते इस प्रकार का प्रयोग होता, जो भी अनुनासिकांत धातु हैं वहाँ भी नुक का आगम होता है, नुगतो अनुनासिकांतस्य सूत, यम धातु से भी यम यम ययम ऐसा बनेगा, और अभ्यास को हमें यहाँ पर क्या है कि नुक का आगम कर देंगे, नश्चा पदांतस झली से अनुस्वार और प्रसवण इत्यादि का विधान कर देंगे, इसलिए यम यमते ऐसा आपका प्रयोग बनता है। इस तरह से कहीं कहीं पर देखते हैं कि सत्व का निषेध भी हो जाता है, निशेष निशेषते ऐसा प्रयोग बनता है, यहाँ नि उपसर्ग है तो उससे सत्व की प्राप्ति हो गई, लेकिन सिचो यंगी सत्व निषेधा उसका निषेध भी कर देंगे, ये विशेष करके वार्तिककार की अपनी अवधारणा है, इस कारण से उसका विधान कर देंगे। अभी विचार करते हैं कहीं कहीं कुत्तु की प्राप्ति होती है, चौकुयते आपका प्रयोग बनता है, तो कु धातु से साक बनाएंगे तो ऐसे पुनः पुनः अतिशयन व कवती ऐसा रूप बनाएंगे, या उससे दोनों भी बनते हैं, तो इस कारण से ये धातु कई जगह कौत भी बनता है, कवत भी इसके रूप में पाठ होता है, कौती ले लीजिए यहाँ पर, तो ऐसा है। तो इस तरह से चौकुयते यहाँ पर चौकू करके कुत्त का विधान होना चाहिए, अभ्यास है, कवर्ग है, कवर के स्थान पर जैसे आपका जगाद इत्यादि प्रयोग बनते हैं, उसी चकाट इत्यादि प्रयोग बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ककार के स्थान पर विधि होनी चाहिए, चकार का समण होना चाहिए, फिर भी यहाँ पर नकवते यंगी ये विशेष निषेध है, निषेध हो जाने के कारण यहाँ पर इसका विधान हम नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह हम नीक का आगम करते हैं, और नीक के लिए धातुएं स्पष्ट हैं, बंचु है, संसु है, ध्वंसु है, भ्रंसु है, तो इस तरह से पथ है, पद है, इस सारी धातुओं का विधान आपका माना जाता है, नीक का आगम करता है। उदाहरण सामान्य प्रक्रिया है, बनी बच्चते ये नीक का आगम कर देंगे तो बनी बच्चते आपका प्रयोग बन जाएगा। नरी नृत्यते में क्योंकि नृति है और निदुग्धक धातु है, इसलिए यहाँ पर रीक का भी आगम करते हैं तो नरी नृत्यते ऐसा प्रयोग बन जाता है। और भी संसारण इत्यादि का भी विधान करते हैं तो सोसुप्यते इस प्रकार की धातुओं में भी हमें विधान मिलता है। कहीं कहीं पर हम यंग के पड़े रहने पर जो संसारण का निषेध भी करते हैं तो वावस्यते इस प्रकार का विधान हो जाता है। कहीं धातु दूसरी है उसके स्थान पर अवांतर आदेश कर देते हैं, चाया की, तो धातु चाय थी लेकिन उसके स्थान पर हमने की आदेश कर दिया तो की तरह रूप प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए चेक की ऐसा रूप बनेगा। और कहीं कहीं
हम अकारांत के स्थान पर भिन्न आदेश इकारांत करें तो घृह धातु है, जे घृते ऐसा प्रयोग बन जाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। और भी जैसे साशय्यते ऐसा प्रयोग बनता है, तो सिंह है और सिंह के पड़े रहने पर यहाँ पर उसको अयंग का विधान कर देंगे, इकिंगिति इकारादि कितगित पत्ति पर रहने पर उसको अयंग कर देते हैं, तो शेषियते प्रयोग न बन करके आत्युत्यादि का विधान करके साशय्यते ऐसा रूप बनता है। अयंग इंगिति इस सूत्र आपका स्पष्ट रूप से बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्यतः यगंत की प्रक्रिया है वो तो विशेष करके अवलोकनीय है, और धातु के अर्थ हैं, धातु के अर्थों के परिवर्तन हैं, और जो सारी प्रक्रिया हमने सामान्य प्रक्रिया है वो भोभवित प्रयोग के दिग्दर्शन में हमने स्पष्ट भी किया है, और उसको और भी जो सामान्य प्रक्रिया है जैसे आपकी कुत्त की प्रक्रिया है, जहाँ पर शमशान होना है वहाँ शमशान की प्रक्रिया को अभाव बताया है, इस तरह से बहुत सी ऐसी विधाएँ हैं जो हमें यंगलुंग पत्ते में प्राप्त होते हैं। सामान्यतः ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यंग पत्ते करने के बाद आत्पने पद का विधान करना नितांत अपेक्षित है, और फिर पत्यांत धातु से लकार की निष्पत्ति, ईट का आगम, अभ्यास को गुण, और गुण के अनंतर अभ्यास को गुण, फिर अभ्यासोत्तर खंड को गुण, और वो भी निपातन के माध्यम से, और फिर इत्यादि ईट का आगम, अवादेश और वैकल्पिक रूप, इस तरह से सप्राय करके प्रत्येक धातुओं में रूप बाहुल्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सामान्य प्रक्रिया से यदि हम अध्ययन करते हैं तो विशिष्ट प्रक्रिया की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। इस पाठ पर इतना ही कह करके हम आज समाप्त करेंगे। धन्यवाद।